सुपर फूड की बात आती है तो सबसे पहला नाम आता है कीनोआ। इसकी पॉपुलैरिटी किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। अलग अलग तरह की रेसिपीज़ में यूज़ हो रहा है और इसे कुक करना भी बहुत आसान है। इस वीडियो में मैंने कीनोआ को पकाने के दो मेथड्स एक्सप्लेन किए हैं, लेकिन उन मेथड्स को जानने से पहले हम इसके कुछ अमेजिंग बेनिफिट्स जान लेते हैं। कीनोआ एक होल ग्रेन फूड है जो ग्लूटेन फ्री होता है, फाइबर, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स का अच्छा सोर्स है। इसमें सभी 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। सुपर फूड की कैटेगरी में आता है क्योंकि बहुत ही न्यूट्रिशियस और हेल्दी फूड है। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड है जो ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल लेवल मैनेज करने में हेल्प करता है। इसमें एक सैपोनिन, एक फाइटोकेमिकल कंपाउंड होता है जो किनुआ सीड्स की आउटर लेयर में पाया जाता है। इस सैपोनिन को रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हमें किनुआ को अच्छी तरह 3 से 4 बार वॉश करना होता है। सैपोनिन की वजह से कुछ डाइजेस्टिव इश्यूज रिपोर्ट हुए हैं, इसलिए इसे रिमूव करना बहुत ही ज़रूरी है। वॉशिंग और सोकिंग से आप इसे रिमूव कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 कप कीनुआ लिया है। मैं इसे 3 से 4 बार पानी बदल बदल के वॉश कर रही हूँ। इस तरह से आप अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए। और अब इसमें पानी डाल करके 10 से 15 मिनट के लिए सोक करने के लिए रख देंगे। अब हम एक फाइनल वॉश देंगे। जो पानी हमने लिया था सोक करने के लिए, हम उसे भी फेंक देंगे। ये हमारा वॉश्ड एंड सोक्ड किनोआ बिल्कुल रेडी है। तो पहले मेथड में हम देखते हैं कैसे बनाते हैं कीनुआ। मैंने एक पतीला लिया है, उसमें मैं 1 चम्मच घी ले रही हूँ। घी गर्म होने पर उसमें हम अपना वॉश और सोक किया हुआ कीनुआ डालेंगे। पानी से अच्छी तरह से कीनुआ निकाल करके आप इसमें डाल दीजिए। एक बार इसे स्टर करेंगे। अब इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच नमक और थोड़ा सा हल्दी पाउडर। अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब इसमें पानी ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने 1 कप कीनुआ लिया है, तो मैं 2 कप से थोड़ा कम पानी ले रही हूँ। अगर हमें खिला खिला कीनुआ बनाना है तो थोड़ा 2 कप से थोड़ा सा कम पानी लीजिए। बहुत अच्छा कीनुआ अच्छी तरह पकेगा भी और उसका एक एक दाना अलग अलग होगा। अब हम इसमें उबाल आने तक वेट करेंगे। जब इसमें एक उबाल आ जाएगा तब हम इसे ढक कर के 10 से 12 मिनट के लिए पकाएंगे। ये देखिए मेरा कीनुआ बिल्कुल तैयार है। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से कुक हुआ है और नीचे पतीले में चिपका भी नहीं है। एक एक दाना अलग अलग है, कितना परफेक्टली कुक हुआ है। तो चलिए अब चलते हैं हमारे दूसरे मेथड पे, जो बहुत ही इजी मेथड है। इस मेथड में हम कीनुआ को कुकर में पकाएंगे। हमने कुकर लिया है, उसमें हमारा वॉश किया हुआ कीनुआ डाल देंगे। यहाँ पे भी मैंने 1 कप कीनुआ लिया है। अब इसमें भी मैं 2 कप से थोड़ा कम पानी डालूंगी। जितना हमने पहले मेथड में डाला था उतना ही पानी यहाँ पे ऐड करेंगे। इसमें भी हम 1/4 चम्मच नमक और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। अब कुकर को बंद करके 2 विसल तक आप पका लीजिए। जब कुकर ठंडा हो जाए तो इसे खोलेंगे।
ये लीजिए, तैयार है ग्रेनी और क्रंची कीनुआ। ये मेथड तो बहुत ही आसान है, आप बहुत जल्दी से कीनुआ रेडी कर सकते हैं, लेकिन आप वॉश करना और सोक करना ना भूलें। किसको सोक करना बहुत ज़रूरी है, कितना आसान है इसे बनाना। तो आप भी इस तरह कीनुआ कुक कर सकते हैं और अलग-अलग रेसिपीज़ में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।